हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे ईस्ट वेस्ट होल्डिंग लिमिटेड के बारे में, जो कि कंपनी ने क्वार्टर थ्री के नतीजे रिलीज कर दिया है। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टारगेट शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी के कारोबार और बिजनेस की मैं बात करूँ, तो यह कंपनी लॉजिस्टिक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, विदेश में भी यह कंपनी अपनी लॉजिस्टिक की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इस कंपनी की काफ़ी सारी अलग अलग सर्विसेज है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह कंपनी एयर फ्रीज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सी फ्रीज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रेल फ्रीज सर्विसेज, रोड फ्रीज सर्विसेज एंड कस्टम क्लियरेंस जैसे कामकाज यह कंपनी करती हुई नजर आ रही है। यानी फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि यह हाई क्वालिटी के लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ यह कंपनी देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 103 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स यहां पर अगर हम क्वार्टर थ्री के नतीजों की बात करें, तो जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, जो सेल्स है वो इस बार क्वार्टर थ्री में तकरीबन 42 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 43 करोड़ का था। तो यहाँ पे सेल्स देखा जाए तो हल्का सा डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। एक्सपेंस की बात करें, खर्चों की बात करें, तो खर्चे यहाँ पे आप देखोगे तो 39 करोड़ का खर्चा देखने को मिल रहा है, जो कि खर्चा भी यहाँ पे कम हुआ है। जैसे सेल्स कम हुआ है वैसे ही खर्चा भी यहाँ पे कम हुआ है, यानी काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने खर्चों को कंट्रोल किया, ऐसा कह सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 3-4 क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो उसके कंपेरिजन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स, तो जो नेट प्रॉफिट निकल गया है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछले 2-3 क्वार्टर के मुकाबले इस बार कंपनी ने तकरीबन 30 लाख के आसपास का नेट प्रॉफिट निकाला है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 9 लाख का था, उससे पहले सिर्फ 3 लाख का था, लेकिन इस बार 30 लाख का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी नेट प्रॉफिट इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूँ, तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो तकरीबन 61% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और FIIs की होल्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो तकरीबन 3.5% के आसपास की FIIs की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है इस कंपनी में। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो कुछ दिन पहले स्टॉक्स 11 रुपये के आसपास ट्रेड करा था, तो वहाँ से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला, 7.5 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट 11 रुपये का, और 11 रुपये के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो 18 और 22 रुपये तक के भी टारगेट स्टॉक्स दिखाने का दमखम रखता है फ्रेंड्स। तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी शानदार है, फ्यूचर में बिजनेस जबरदस्त ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, और किसी भी तरह को इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जरूर सलाह लेनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर दो जनों को सब्सक्राइब कर लीजिए।